निकटवर्ती नोंदरी मंद्रातान के गांव अलीनगर एवं शहर के मध्य बनी रपट का पुनः जीर्णोद्वार करवाया गया है। करीब 5 लाख की लागत से ग्राम पंचायत की ओर से करवाए गए कार्य के बाद रपट निकल उठी है। वहीं रपट पर सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से रेलिंग एवं सड़क का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे ग्रामीणों एवं स्कूल जाने वाले लोगों को खासी सुविधा मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में सिंचाई विभाग की ओर से नोंदरी मंद्रातान नदी की रपट पर अलीनगर से मेल रोड की ओर आ रही रपट का सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाते हुए रपट की चौड़ाई बढ़ाई की गई थी। चुनावी वर्ष में 36 लाख रुपए की लागत से हुए निर्माण में खामियों के चलते रपट की सड़क पर जगह जगह खड्डे बन गए। वहीं रपट दोनों ओर से खुली होने एवं रपट पर नदी का पानी लगातार चलने के कारण मार्ग सुरक्षित हो गया था। कुछ माह पूर्व नदी के पानी में गिर जाने के कारण एक व्यक्ति अकाल मौत का शिकार भी हो गया था। वही सड़क पर सुरक्षा दीवार का भाव होने के कारण यहां से गुजरने वाले स्कूली बच्चों के साथ भी हादसे का भय बना रहता था। ग्रामीणों के लगातार मांग के बाद सरपंच कमला देवी ने पंचायत में प्रस्ताव पास कर 5 लाख से उक्त रपट के जीर्णोद्वार की स्वीकृति दी, जिसमें रपट की सड़क की मरम्मत दोनों और रेलिंग लगाने एवं पानी निकासी के लिए पाइप लगाए जाने का कार्य करवाया था। गत माह कार्य को शुरू करवाया गया, लेकिन मौके पर हुए विरोध के कारण कार्य को बंद कर दिया गया। उसके बाद पंचायत प्रशासन ने पुनः संबंधित विभागों से स्वीकृति लेकर उपखंड प्रशासन के सहयोग से उक्त कार्य को पुनः चालू करवाया। सरपंच प्रतिनिधि जयसिंह रावत एवं एडवोकेट करण सिंह ने बताया कि पंचायत की ओर से 5 लाख की लागत से रपट का जीर्णोद्वार करवाया गया है, जिससे रपट से आवागमन सुरक्षित हुआ है। साथ ही ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए मौके पर रपट के दोनों ओर रेलिंग का निर्माण करवाया गया है तथा रात्रि में रोशनी की व्यवस्था की गई है, जिससे भविष्य में यहां से गुजरने वाले ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों के साथ किसी प्रकार का हादसा नहीं हो। मेरा आज भी तू, मेरा कल भी तू, हर मुश्किल दा हल भी तू। गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर पीपीएस पैराडाइज गार्डन अजमेर रोड व पीपीएस होटल उदयपुर रोड ब्यावर के भूपेंद्र पाल सिंह व हरजीत सिंह सलूजा और मनी भाई की ओर से आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामना व बधाई।